नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट न्यूज फॉर नालंदा से है। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के सोरा बीपर गांव में मामूली विवाद में मासूम का अपहरण कर हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना घटी है। मृतक विकास कुमार का 8 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार उर्फ आशुतोष है। मृतक के परिजन ने बताया कि 9 सितंबर को यह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, मगर छुट्टी होने के बाद भी वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन करने लगे। काफी खोजबीन के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो फुटेज में किशोर गांव के ही एक बच्चे के साथ साइकिल पर जाते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर जब गहन से पूछताछ की तो उससे ने हत्या कर सब को फेंके जाने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस नवीनगर रेलवे लाइन के समीप पानी भरे गड्ढे से आज देर शाम सबको बरामद किया। मृतक के दादा गनौरी महतो ने बताया कि उसके पड़ोसी से गली को लेकर वाद विवाद हुआ था। इसी विवाद में उसके पोते का अपहरण कर इस घटना को अंजाम दिया है। बच्चा 8:30 बजे स्कूल जा रहा था और वही बीच में अपहरण करके जान मार दिया। कारण कुछ? कारण दुश्मनी, पहले मोल नहीं सुगा। आओ क्या, आओ कोई बच्चा से नहीं दुश्मनी है, हमरे से दुश्मनी है। अच्छा, पहले का क्या झगड़ा था? कुछ पहले का झगड़ा तो नहीं, एक बार ऐसी बगल में रहता है तो चोनाबाजी तो होती रहता है। कहाँ बच्चा जा था पढ़ने के लिए? कौन स्कूल में जा लिया? रेड रोड चनाकिया पैलेस के पीछे में जो है ना एक प्राइवेट स्कूल था, वहीं बच्चा जाता था। एक 8 वर्षीय युवक सोराबी पर वाले गांव से 9 तारीख को स्कूल जाने के लिए निकला था, जो बाद में लापता हो गया। उस संबंध में दीपनगर थाने में उनके पिता के द्वारा सूचना दी गई। अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग विधिवत अनुसंधान प्रारंभ किए। सीसीटीवी फुटेज में उस बच्चे को एक साइकिल पे जाता हुआ नज़र आया था, उस पर हम लोग सत्यापन के क्रम में एक युवक जो उसी मोहल्ले के बगल के हैं सस्पेक्ट में वो आ रहे थे कि उसी के साइकिल पे बच्चा जाता हुआ नज़र आया था, उससे हम लोगों ने गहराई से पूछताछ किया तो आज रेलवे के बगल में उस युवक का पानी से शव बरामद हुआ है। शव का विधिवत हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कारण कुछ पता चला अभी तक? जब तक अनुसंधान हुआ, छोटे मोटे जाने उने को लेकर बच्चों के बीच और मोहल्ले के बीच छोटी मोटी बातों के कारण इस घटना को अंजाम देने की बात प्रकाश में आई है, लेकिन अन्य बिंदु हैं। अभी हम लोग सभी बिंदुओं पर गहराई से अनुसंधान।